अब की बार कुछ एक और चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये कि जितने भी आपके विपक्ष के नेता हैं, होडल के अंदर हो चाहे वो पास के इलाकों के लोग हो, वो सभी लोग लगे हुए कि एक बार चौधरी उदयवान को घेर ले। पार्टी में रहते हुए भी विरोध कर रहे थे, कल अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी ने अध्यक्ष जी कैसे पार्टी बोलूंगा, इन्हें निष्कासित किया, इन्हें बताया कि आप लोगों को अगर विरोध करना है तो बाहर से सामने आ जाए, पार्टी के सामने लड़ाई सामने, लड़ाई सामने, गुरिल्ला युद्ध जो होता है वो मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से करो, आप पार्टी में रह के पीठ पे मार रहे हो, क्यों कर रहे हैं, जिस पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप उसके लिए काम ना करके दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगते हो, कैसा महत्व रखता है ये राजनीति का, कौन सा स्तर है? तो ये महत्वाकांक्षा है जी, मैं तो कहूँगा अति महत्वाकांक्षा है यही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के तमाम आप किसी क्षेत्र में चले जाएं, किसी एरिया में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, चर्चा केवल चुनावी है। इस चुनाव के सीजन में हम आपको प्रयास कर रहे हैं मिलवाने का प्रत्याशियों से, प्रत्याशियों के परिजनों से, इसके साथ साथ उस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से। इस श्रृंखला में मैं मौजूद हूँ होडल में, होडल मेरे साथ मौजूद हैं, होडल से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयवान, उनके बेटे हैं राजगोपाल। राजगोपाल चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के और होडल की राजनीति में अपनी एक अलग हलक भी रखते हैं। राजगोपाल जी आपका स्वागत है देश रोजाना पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। अब की बार का चुनाव ये पिछले कुछ चुनावों से अलग है? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव शायद एक तरफा जा रहा है जी। एक फर्क और है, हाँ जी, पिछले चुनाव में जब चौधरी उदयवान जी टिकट लाइन में होते थे, अब टिकट बांटने वालों में रहे। हाँ जी, ये हमारे एरिया के लिए बहुत सम्मान की बात, सम्मान की बात है, बहुत ज्यादा, खासकर होडल के लिए और बिल्कुल जिले के लिए सारा। दूसरा ये हुआ कि पहले केवल अपना चुनाव देखना होता था, मुझे लगता है अपना चुनाव तो आप लोगों के पास ज्यादा है, उनको पूरा हरियाणा देखना है। बिल्कुल, वो हरियाणा मेरी कल सुबह बात हो रही थी, कहने लगे चंडीगढ़ जाना पड़ गया अचानक से, और चुनाव घोषणा पत्र का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए, तो ये अपने लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? अपने लिए उनके जो निजी उपलब्धि तो है, पर मैं सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बोला क्षेत्र की उपलब्धि है, ये हमारे जो एरिया है वो हमेशा थोड़ा सा निगलेक्टेड रहा है, तो ये जो सम्मान पार्टी ने दिया जी, हमारे नेताओं ने दिया, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि आज होडल को आज सारा हरियाणा जानने लगा है जी। उससे पहले शायद होडल के बारे में थोड़ी सी अलग तरीके से हमारे माना करते थे लोग, हमें जैसे यूपी तक का हमें हरियाणा बिलोंग करते हुए, तो ये आज जो हुआ है इस एरिया के लिए हमारे लिए एक पहचान बनी है। मतलब हरियाणा की जो राजनीति होती थी वो जींद से रोहतक से और भिवानी से वहां से चलती थी, अब की बार एक राजनीति का एक सिरा होडल पलवल जिले का मना इस बार जी। अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में कितना समय दे पा रहे हैं? वो जितना संभव हो पा रहा है वो दे पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कई कार्यक्रम उन्हें जाना पड़ रहा है हरियाणा में अलग अलग जगह, लेकिन जो भी उन्हें टाइम मिल रहा है, जबकि उनकी उम्र भी काफ़ी है और उसके बाद भी वो रात को 2-2.5 बजे तक भी जा रहे हैं गाँवों में, उनके प्रोग्राम मतलब इतना प्यार इतना समर्थन मिल रहा है जी। अगर किसी गाँव में आपने 2 या 3 घंटे के भी प्रोग्राम रखे हैं उसमें 6-6, 7-7 घंटे लग रहे हैं जी, तो जो शेड्यूल होता है हम लगाते हैं 8 या 9 बजे तक कोई दौरा ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो थोड़ा अपने निजी कोई बैठकें कर पाएं, उसके लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जा रहे हैं आप, अगर 2-2.5 बज रहे हैं आपको, तो आप लगाओ कितना ज़्यादा जन समर्थन है, उन्हें कितना प्यार है इस बार क्षेत्र से मिल रहा है जी। होडल विधानसभा को लेकर के कई प्रकार के और खासकर कांग्रेस को लेकर के कई प्रकार के दुष्प्रचार भी होते हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी उदयभान इलाके को टाइम नहीं दे पाएंगे, इस दुष्प्रचार का सामना करने में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, उसमें इसलिए समस्या नहीं आ रही कि टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें इतना सम्मानित किया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जी। तो जिम्मेवारी उनकी बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि अब वो मात्र केवल विधायक के तौर पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हर जगह उन्हें जाना भी होगा। समय की बात रही तो हमारा पूरा परिवार जी, हर घर से, मैं भी, छोटा भाई देवेश भी है, हमारा बड़ा भाई विजय भी है, और हमारे चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे बहुत सारे, कुलदीप है, प्रमोद है, प्रदीप है, हमारा भाई भारत भूषण है,
हमारा बिरजू है, ब्रजभूषण है, सारे भाई ब्रज चंद्र भूषण, मतलब पूरा परिवार, हमारे पूरे परिवार, चाचा है, हमारे ताऊ हैं, सब हमारे सब लगे हुए हैं इलेक्शन में। तो इसलिए जितना उनका जो समय जो कम हो रहा है उसकी हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कमी कहीं भी ना हो। हमारा प्रयास ये है कि हम हर घर जा रहे हैं जी, और अध्यक्ष जी का एक प्रोग्राम हर गांव में हो रहा है जी, और ज़्यादातर जनसभाएं हम उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो अलग बात है, जनसभाओं के ऑर्गेनाइज करते हुए इतना वो जो मैंने कहा इतना प्यार, इतना समर्थन है लोगों का, वो घर भी लेके जा रहे हैं, अलग अलग थोड़ा सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, हर आदमी चाह रहा है उनसे मिलना जी। तो इसलिए जो पहला बोला था कि आपने बोला था कि ये चुनाव अलग है, ये वाकई में ही अलग चुनाव है। मैं वही कहा, ये चुनाव होटल के लिए बहुत अलग है, बहुत अलग है। बिल्कुल, अभी आप बता रहे थे कि गांव और आपके विधानसभा क्षेत्र में बड़े गांव भी हैं। हाँ जी, औरंगाबाद, भिड़ू, बिल्कुल इस टाइप के बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सौंद, बंचारी, बिल्कुल, और छोटे नंगले भी हैं। हाँ जी, आपका शहर भी है। हाँ जी, हाँ जी, शहर की नब्ज तो आपके हाथ में रही है काफी समय। हाँ, काफी रही है, बिल्कुल। पार्षद भी रहे हैं। हाँ जी, चेयरमैन भी रहे हैं, और इसके साथ गाँव के अंदर चौधरी उदय भान जी का एक अपना एक अलग, चौधरी उदय भान जी का ही क्यों, उससे पहले आपके दादा चौधरी गयलाल जी का, उससे पहले आपके परदादा जी का, राजनीति के अंदर आपका परिवार शुरू से सक्रिय रहा है। हाँ, तो कहीं कोई परेशानी पेश तो नहीं आ रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि हमारे परिवार ने हमेशा ईमानदारी की राजनीति करी है जी, और सच रहा है कभी भी जी। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए इतना लंबे समय, जैसे आपने बताया, तीन पीढ़ी अब होली है, 90 साल से ऊपर की राजनीति होली है जी। तो इसलिए लोगों का जो हमसे जुड़ाव रहा है परिवार से हमारे, और अध्यक्ष जी से मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा यही राजनीति का है उनका। उन्होंने कमाई जो करी है इसी बात की कमाई करी है उन्होंने, कि ईमानदारी की कमाई है। इकलौते नेता होंगे मेरे ख्याल से, किसी भी मंच पे कहते हैं जी कि अगर कोई मेरे पे कोई दाग लगाए, 10 रुपए का भी कोई मुझे दागी घोषित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, आज ही चुनाव छोड़ दूंगा जी। तो इस बात के लिए तो बहुत, मैं कह दूँगा, मादा चाहिए किसी भी नेता को कहने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल। तो इसलिए भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो किसी भी तरीके की उन्हें परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आपका जो होटल है इधर उत्तर प्रदेश साथ लगता है, हाँ, हरियाणा का शुरुआत है यहाँ से, आपके होटल विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है कुछ पलवल से, कुछ हथीन से ये भी प्रभावित होती है, क्योंकि हथीन वाले बहुत सारे गांव आपके विधानसभा क्षेत्र में आए थे, टाइम हो गया व्यस्त। हाँ, डिलिमिटेशन के बाद 15 साल हो गए लगभग। अब की बार कुछ एक और चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये कि जितने भी आपके विपक्ष के नेता हैं होडल के अंदर हो, चाहे वो पास के इलाकों के लोग हो, वो सभी लोग लगे हुए कि एक बार चौधरी उदय भान को घेर लें। ये लोगों में क्या मैसेज है? ये हमेशा प्रयास इन लोगों ने, जिनका आप नाम ही नहीं ले रहे हो, हाँ, नाम लेने की जरूरत नहीं, हाँ, ले ही नहीं रहे हो, इन लोगों की राजनीति ये रही है हमेशा से ही। इस असल में ये जो लोग हैं ना, हमारे क्षेत्र के दुश्मन ये हैं, ये कभी नहीं चाहते कि यहाँ का नौजवान कोई प्रश्न करे इन लोगों से, क्वेश्चन करें इन लोगों को। जो डेवलपमेंट, ये हमेशा अगर हमारा एरिया डेवलप हो गया तो इन लोगों से पूछेंगे जी कि भाई ये बताओ आपने ये क्यों किया है, ये जो कॉलेज आपने खड़ा कर दिया इतना बड़ा यहाँ पे होटल के अंदर, ये प्रॉपर्टी क्यों आई थी, और ये पट्टी ने आपको किस लिए जमीन दी गई थी, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आपने ये गऊ चारान की जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, ये असल में भूमाफिया हैं, ये नेता नहीं है, ये भूमाफिया हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, असल में तो जातिवाद का सहारा लेते हैं ये लोग जी। जातिवाद का सहारा लेके ये अपने आप को यहाँ दिखाते हैं कि हम एक विशेष जाति के हम नेता हैं, और ये आपके साथ, ये आपके दुश्मन हैं, जबकि इन लोगों का ना तो समाज में कोई योगदान रहा, ना क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान रहा। इनका हमेशा ये रहा कि यहाँ से कोई लीडरशिप डेवलप ना हो जाए, क्योंकि लीडरशिप डेवलप हो गई तो यहाँ अपने आप ही क्षेत्र में सारा विकास होगा। जब आपके पास यहाँ कोई मिली, आपको पावर मिली, उसके बाद एक अलग ही डेवलपमेंट होगा जी। यहाँ बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा जी। हमारे क्षेत्र में जो भी कमी है, हम कह रहे हैं अच्छे बड़े कॉलेजेस खुले यहाँ पे, और इवन मेडिकल कॉलेज खुले जी। हम यहाँ तक ही क्यों रहे, आईटीआई या पॉलिटेक्निक तक, इन चीज़ों तक ही हम सीमित नहीं रहना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे यहाँ पे हमारा एक मेडिकल कॉलेज हो, और अच्छे स्कूल कॉलेजेस सारे के सारे बहुत शानदार तरीके से यहाँ एजुकेशन हो, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी हो, यहाँ पानी की जहाँ भी मीठे पानी का उपलब्ध कराया जाए, ये सारी चीज़ें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी के लिए। अब ये लोग हमें चाहते हैं कि हमेशा पिछड़े रहें जी ये क्षेत्र, तो असल में ये लोग दुश्मन है इस क्षेत्र के। अगर ये सच्चे हितैषी होते तो आज ये कंधे से कंधा मिला के कि आपको यहाँ पे एक इतना सम्मान दिया पार्टी ने,
हम भी आपके साथ जो इस क्षेत्र के जो विकास होना है उसमें भागीदारी करेंगे और आपके साथ चलेंगे। इन लोगों को करना तो ये चाहिए था, लेकिन ये आज पार्टी में रहते हुए भी विरोध कर रहे थे। कल अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी ने, मैं अध्यक्ष जी कैसे पार्टी ही बोलूँगा, इन्हें निष्कासित किया, इन्हें बताया कि आप लोगों को अगर विरोध करना है तो बाहर से सामने आ जाए, पार्टी के सामने लड़ाई सामने, सामने, लड़ाई सामने करो। गुरिल्ला युद्ध जो होता है वो मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से करो। आप पार्टी में रह के पीठ पे मार रहे हो और भाईचारे को खराब कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, जो भाई हमारे साथ वोट मांग रहे हैं दिन रात, आप उनके घरों में जा रहे हो और कह रहे हो मेरी टिकट काट दिया और मैं झोली फैला के वोट मांग रहा हूँ। झोली फैला के वहीं लड़ते, अपने क्षेत्र में लड़ते, झोली फैला के अगर वोट मांगनी है तो अपने लिए मांगो ना। आप बीजेपी के कैंडिडेट के लिए मांग रहे थे कांग्रेस में रहते हुए, अब कल से आप फ्री हो गए। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मेहरबानी कर दी आपके ऊपर जो आपको फ्री कर दिया, अब आप कैसे भी मांगो वोट ओपन होके। अच्छा, दो बातों पे आता हूँ। आप भी पुराने राजनीतिक परिवार से हो, राजनीति खुद भी कर रहे हो, एक राजनीति का करेक्टर बन गया कि आप जिस राजनीतिक दल में हैं अब उसके लिए काम ना करके बहुत सारे पॉलिटिशियन आपको मिल जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप उसके लिए काम ना करके दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, कैसा महत्व लगता है? ये राजनीति का कौन सा स्तर है? मेरे ख्याल से तो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा राजनीति में आदमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर अब लोग इसे मतलब एक सर्विस ना समझ के, सोशल सर्विस ना समझ के, क्योंकि ये सामाजिक जीवन है जो राजनीति में आना चाहता है। लोगों के लिए जीवन जीना है आपको, और यहाँ मेरे ख्याल से एक शॉर्टकट रास्ता, लोग ये सोचते हैं कि पैसा हो तो वो ही शायद सोच होगी इसमें। मैं राजगोपाल से अपने कई वीडियोस में कहा करता हूँ, राजनीति का मतलब होता है वो राज जो नीति से चले, नीति से चले। और अब राजनीति का मतलब ऐसा बन गया कि ऐसी नीति बना दो जिससे मेन स्ट्रीम में रहे, राज आए, राज के लिए नीति मेन स्ट्रीम में रह जाए, बस किसी भी तरह थोड़ा सा हेर फेर हो गया। तो ये महत्वाकांक्षा है, मैं तो कहूँगा अति महत्वाकांक्षा है यही। आप जो कह रहे थे दबंग राजनीति या इस टाइप की राजनीति है, मैं आपके वास्ते बिल्कुल सहमत था। आपने कहा कि लोग नहीं चाहते कि युवा शिक्षित हो या युवा सामने बोलने के लिए खड़ा हो प्रश्न करे। बिल्कुल, तो आप कितना संदेश दे पाते हैं इसके अंदर यूथ को, खासकर यूथ को? हम तो जितना है ओपन बात करता हूँ मैं तो। आपने तो बड़ी लाइन खींच रखी है पहले से भी राजनीति के क्षेत्र में, आपके परिवार ने बड़ी लाइन खींची है। बिल्कुल, हम तो जब भी जाते हैं अपने साथियों से, जितने भी हमारे नौजवान साथी, उनके साथ ओपन बैठते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बात करना पसंद करते हैं। ये नहीं है कि आप हर जगह जाओ और वहाँ पे खड़े होकर स्पीच देने लगो। स्पीच तो एक नेता का वो हो गया, लास्ट है, लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, कंफर्टेबल नहीं करोगे किसी को, आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता नौजवान आपके साथ जुड़ेंगे या इंटरेक्ट कर पाएंगे आपसे। आपको सुन लेंगे ठीक है और चले जाएंगे वो भी, ठीक बात है, लेकिन आपसे जुड़ाव नहीं पैदा कर पाएंगे। मेन मेरे ख्याल से नौजवान से जुड़ाव करना चाहिए, बैठ के उन्हें भी लगे बड़ा या छोटा भाई, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। आत्मीयता तभी बनती है, तभी बनेगा आत्मीयता। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश आपके साथ लगता हुआ है। हाँ जी, यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ के बड़े नेता हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनका भी यहाँ की राजनीति में अपना असर रखते हैं, वो भी दखल डालते हैं। कितना असर रह सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस टाइप का चल रहा है, यहाँ की कॉलोनियाँ भी हैं, वो लोग क्या वहाँ से प्रभावित हैं या बदलाव देख रहे हैं वो भी इसके अंदर कुछ? देखिए, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं बीजेपी पार्टी में, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते वो क्यों आ रहे हैं या क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो आएंगे, उनका काम है जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी होंगी, उनकी जिम्मेवारी भी है, यहाँ आएंगे जी और अपनी ओर से अपील भी करेंगे। ठीक, बिल्कुल। अब मेन बात है, जो यहाँ पे हमारे रह रहे हैं, चाहे किसी भी गाँव के हों आसपास में, वो सेटल हो गए, हरियाणा वासी हैं आज वो, तो जो सोच है मेरे ख्याल से उनकी भी हरियाणा वासी के हिसाब से होनी चाहिए और उन्हें उसी हिसाब से अपना नेता तय करना चाहिए जी, ना कि उधर से तय करना। ठीक बात। आखिरी सवाल मैं आपके साथ आ रहा हूँ। अभी आपने कहा था और मैंने शुरू में कहा था कि आपका जो परिवार है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके पिताजी विधायक रहे, कई बार चेयरमैन रहे सरकार में, आज तो बहुत बड़े पद पर। हाँ जी, आपके दादाजी विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, कई पदों पर रहे। आपके परदादाजी लोकल राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, बहुत बड़े नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे शायद। चौधरी उदय भान की विरासत संभालने में उनकी संतान कितनी सक्षम है और लोग उनसे क्या उम्मीद करें आगे? देखो, अभी उदय भान जी का ही दौर है जी, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, वो बाद में है जी, ठीक अभी है। वो दौर चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है जी। मैं तो कह रहा हूँ उस लकीर बाकी, बड़ा खींचा जाएगा ना? हमारे परिवार में से कोई भी कर सक, कोई भी बच्चा सक्षम है, सभी सक्षम है। हाँ जी, यानी कि वो लाइन को आगे तक ले जाने। हाँ जी, बिल्कुल। रूरल क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से ये है कि आज इस क्षेत्र की लड़ाई है, इस क्षेत्र को जो
जो सम्मान मिला है, जो पहचान मिली है, और केवल मैं इसी बात पे नहीं कहूँगा, वो अध्यक्ष हैं। उदयभान जी ने हमेशा जो राजनीति करी है, सच्चाई से करी है, ईमानदारी से करी है, और जो भी यहाँ के विकास कार्य हैं होडल में या हमारे गाँव में, चाहे हम अनाज मंडियों की बात करें, चाहे होडल है, हसनपुर है, खाम या कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, सरकारी अस्पताल हैं या स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेज भी हैं, ये सब का जो भी निर्माण हुआ है, या तो स्वर्गीय चौधरी गहलाल जी के द्वारा हुआ था या मेरे पिता माननीय उदयभान जी के द्वारा हुए हैं, तो जो राजनीति हुई है वो हमेशा क्षेत्र के लिए हुई है, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की हुई है, जो सोच हुई है होडल को आगे ले जाने की हुई है। इसी बात को मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार किसी भी, आप पार्टी को छोड़ दें या कांग्रेस हो बीजेपी हो, इस बार मैं आप लोगों से अपील करूँगा, आप होडल क्षेत्र के नाम पर वोट डालें। इस क्षेत्र का आज समय है, तो आप सभी अपना सहयोग दें, आशीर्वाद दें अपना। तो ये थे राजगोपाल, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, चौधरी उदयभान के बेटे। चौधरी उदयभान क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, जब वो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार संभालते हैं तो उनके दोनों बेटे इधर राजगोपाल और उधर देवेश, ये स्टार प्रचारक हैं। एक विशेष शख्सियत से मुलाकात के इस दौर में आज एक खास मुलाकात थी। ये सिलसिला जारी रहेगा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।